हेलो वर्ल्ड साथियों टेक गाइस, आज इस वीडियो में हम पॉप मेथड को समझेंगे कि एग्जैक्टली पॉप मेथड किस तरीके से वर्क करता है। सो गाइस, अगर आपको ये पॉप मेथड समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉप मैथड किस तरीके से वर्क करता है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पॉप मैथड की सिंटेक्स क्या है, और सिंटेक्स को देखने के बाद हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे पॉप मेथड को और समझेंगे कि एग्जैक्टली कोड के अंदर पॉप मेथड किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। मतलब कि जो पॉप मेथड है वो एरे का लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। जब हम किसी एरे के ऊपर पॉप मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उस एरे का लास्ट एलिमेंट रिमूव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एरे है जिसकी लेंथ है 6, राइट? मतलब कि 6 एलिमेंट का एक एरे है। तो जब हम उस एरे के ऊपर पॉप मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे या पॉप मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या कि वो पॉप मेथड उस 6 एलिमेंट में से लास्ट जो एलिमेंट है, जो 6 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, उसको रिमूव कर देगा, राइट? मतलब कि जो एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 5 पे रखा हुआ है, जो कि एक्चुअल 6th पोजीशन है एरे के अंदर, उसको रिमूव कर देगा। ओके गाइज, पोजीशन नंबर 6 है लेकिन इंडेक्स की वैल्यू 5 होगी। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स वैल्यू 5 के ऊपर जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको ये पॉप मेथड, ये पॉप फंक्शन रिमूव कर देगा। ओके गाइज, सो गाइज, ये यूज़ है पॉप मेथड का कि अगर हमें एरे के अंदर से वैल्यू रिमूव करना है तो ये पॉप मेथड एरे की लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है। ओके, पॉप मेथड चेंजेस द ओरिजिनल एरे। मतलब कि वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, राइट? मतलब कि जब हम किसी एरे के ऊपर पॉप मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पॉप मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद जो एरे है, एक्चुअल एरे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी लेंथ 6 है तो उसकी लेंथ 6 से चेंज होके 5 हो जाएगी और जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। मतलब कि एक्चुअल एरे चेंज हो जाएगा, जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज हो जाएगा। ओके गाइज, अब जो थर्ड पॉइंट है कि पॉप मेथड रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट। उसका मतलब कि जो पॉप मेथड है वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो जिस एलिमेंट को उसने रिमूव किया है, मतलब कि उस लास्ट एलिमेंट को जिसको पॉप मेथड ने रिमूव किया है वो रिटर्न कर देगा। मतलब कि हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यू है 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट? 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब जब उस एरे के ऊपर हम पॉप मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट है जो कि 12 है, राइट? तो वो 12 रिमूव हो जाएगा। जब हम पॉप मेथड को उस एरे के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो जो 12 एलिमेंट है, एलिमेंट जिसकी वैल्यू 12 है, वो एरे में से रिमूव हो जाएगा। ओके, और जो पॉप फंक्शन है वो उस 12 वैल्यू को रिटर्न कर लेगा। मतलब कि हम अगर पॉप के अगेंस्ट में किसी वेरिएबल को रखेंगे और उसकी रिटर्न वैल्यू कैच करेंगे तो ये पॉप फंक्शन रिमूव्ड एलिमेंट को रिटर्न करता है। गैस, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, हम आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ें समझ लेंगे। ओके, चलिए गाइज, अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोड के अंदर किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। गाइज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने से पहले हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं कि पॉप फंक्शन की सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो एलिमेंट है, या मतलब कि वैल्यूज़ है। ओके, अब पॉप मेथड की सिंटेक्स है एरे का वेरिएबल नेम डॉट पॉप फंक्शन, मतलब पॉप कीवर्ड, उसके बाद 2 राउंड ब्रैकेट, और उस 2 राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी पास नहीं करना है। मतलब कि इस फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी पैरामीटर हमें पास नहीं करना है। सिंपली एरे का नेम डॉट पॉप, जिससे इस एरे के अंदर से जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रूट्स एरे है उसके अंदर बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो है, राइट? तो जो लास्ट एलिमेंट है जो कि है मैंगो, वो इस पॉप मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद रिमूव हो जाएगा और ये पॉप मेथड इस मैंगो वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट? चलिए गाइज, अब प्रैक्टिकली हम कोड के अंदर समझते हैं एग्जैक्टली ये तीन पॉइंट्स किस तरीके से वर्क करता है। चलिए गाइस, सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे। हम एक काम करते हैं, यही से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, देखिए गाइस हमारे पास एक एरे है फ्रूट्स करके, उसमें बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो वैल्यू है। अब यहाँ पे हम फ्रूट्स डॉट पॉप कर रहे हैं। चलिए गाइस कंट्रोल एस सेव और देखते हैं कि ये पॉप करने से पहले और पॉप करने के बाद इस फ्रूट्स के अंदर हमें कंसोल में क्या मिलता है, इस फ्रूट्स एरे के अंदर हमें कंसोल में क्या मिलता है। कंट्रोल एस सेव, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट। ओके, ये पॉप करने से पहले हम फ्रूट को प्रिंट कर रहे हैं और पॉप करने के बाद हम फ्रूट को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए कंट्रोल एस सेव। अब देखिए गाइस आउटपुट में पॉप करने से पहले हमें जो एरे है उसके अंदर बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो मिल रहा है। अब पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें बनाना, ऑरेंज और एप्पल ही मिल रहा है, राइट। मतलब कि जो मैंगो है वो पॉप फंक्शन ने इस मैंगो वैल्यू को रिमूव कर लिया है। जैसे कि हमने देखा जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट था कि पॉप फंक्शन रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, चलिए गाइस अब हम जो थर्ड पॉइंट है वो समझते हैं कि जो पॉप फंक्शन है वो रिमूव्ड एलिमेंट को रिटर्न करता है। ओके, यहाँ पे इसने मैंगो को रिमूव किया है, जो लास्ट एलिमेंट है जो कि मैंगो है उसको रिमूव किया है। तो यहाँ पे इस पॉप के रिटर्न के अंदर हमें इस लास्ट एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी, मतलब कि मैंगो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। चलिए गाइस इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे लेट रिमूव्ड एलिमेंट वैल्यू इक्वल टू फ्रूट्स डॉट पॉप। ये फ्रूट्स डॉट पॉप है, ये जो पॉप मेथड है वो रिमूव्ड एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इस रिमूव्ड एलिमेंट वैल्यू वेरिएबल के अंदर हमें मैंगो एज अ टेक्स्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंगो है वो लास्ट पोजीशन पे है, इस एरे के अंदर लास्ट पोजीशन पे है, और ये पॉप मेथड लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट रिमूव हुआ है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है वो ये है, राइट, और उसकी जो वैल्यू है वो मैंगो है। तो इसीलिए यहाँ पे रिमूव्ड एलिमेंट वैल्यू में हमें मैंगो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग में मैंगो मिलेगा। ओके, चलिए कंट्रोल इज सेव एंड देखते हैं गाइस इसको भी हमें कंसोल करना होगा। यहाँ पे इसके बाद हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिमूव्ड एलिमेंट वैल्यू। ओके, चलिए कंट्रोल सेव एंड देखिए गाइस आउटपुट में पहले तो जो एरे है, एक्चुअल एरे, वो मिला कंसोल के अंदर, उसके बाद हमने पॉप मेथड को एग्जीक्यूट किया। चलिए गाइस यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पॉप मेथड। ओके, चलिए कंट्रोल सेव। देखिए गाइस यहाँ पे जो ओरिजिनल एरे है वो पहले प्रिंट हुआ, जिसकी लेंथ 4 है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। उसके बाद हमने पॉप मेथड को एग्जीक्यूट किया। तो पॉप मेथड एग्जीक्यूट करने के बाद इस एरे की जो लेंथ है वो 3 हो गई, जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। ओके गाइस, अब जो हमने पॉप फंक्शन के जो रिटर्न वैल्यू कैच की एक वेरिएबल के अंदर, तो उसमें हमें मैंगो वैल्यू मिली। देखिए यहाँ पे मैंगो, मतलब कि जो पॉप फंक्शन है या पॉप मेथड है वो रिमूव्ड एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो गाइज ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो पॉप फंक्शन है वो एरे की लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद जो रिमूव्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। सो गाइज ये पॉप मेथड समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉप मेथड आपको आपके रियल लाइफ में, प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत यूज़ में आएगा, डेली लाइफ में, डेली कोडिंग लाइफ में आपको ये बहुत काम आएगा। सो गाइज अगर आपको ये फंक्शन समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस देखना, और अगर आपको ऐसे एरे के मेथड समझने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में अलग अलग एरे के मेथड्स को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।